Welcome to your science class, beta. I am your science teacher, Mr. Dheeraj Bhatti. And as you know, we are doing chapter number 4, heat and temperature of class 7, right? And as you know, beta, in today's video, we are going to discuss what is a thermos flask, right? Thermos flask, I know, I am really sorry for that, ke diagram thoda bura hai, I am not good at drawing, as you all know that, right? Aaj hum page 47 mein, last page, chapter, isko discuss karte, isko finish karte hai chapter ko, so that we can start the new chapter in the next video, okay? Page 47, thermos flask, hum start karne wale hain. The vessel which keeps a hot liquid hot and cold liquid cold by minimizing loss or gain of heat by the process of conduction, convection and radiation is called thermos flask. तो इसका first paragraph है बेटा, इसको मैं चाहूँगा आप underline कर लीजिए. thermos flask क्या होता है आपको समझा देता हूँ. thermos flask basically बेटा वो container होता है, वो vessel होता है जो एक गर्म चीज को गर्म, ठंडी चीज को ठंडा रखता है, क्योंकि वो conduction, convection और radiation के effect को बिल्कुल minimum कर देता है, बिल्कुल नहीं होने देता. उस वेसल को हम बोलते हैं थर्मस फ्लास्क, राइट? फिर से रिपीट कर देता हूं, थर्मस फ्लास्क बेटा क्या होता है? ये वो वेसल होता है जो एक गर्म लिक्विड को गर्म, ठंडे लिक्विड को ठंडा रखता है, क्योंकि क्योंकि ये कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के इफेक्ट को मिनिमम कर देता है. दैट इज व्हाई इसको हम थर्मस फ्लास्क बोलते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. इट इज अ डबल वॉल्ड ग्लास वेसल. ये बेटा दो वॉल्स का ग्लासेस होगा, जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें वन वॉल टू वॉल, दो वॉल है आप देख पा रहे हैं. डबल ग्लास शेल, दो ग्लासेस होती है इसमें बेटा, इस वजह से हम डबल ग्लास शेल बोलते हैं. इट इज अ डबल वॉल्ड ग्लास वेसल विद सिल्वर इनर सरफेस. यहाँ पर बेटा मैं जानता हूँ यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगा, बट आप फिर भी इस फिगर में देखेंगे तो आपको सिल्वर पोर्शन नजर आ रहा है. ये हमारा सिल्वर पोर्शन है, ये रहा, राइट? इसमें लिखा है विद सिल्वर इनर सरफेस, जिसका जो सरफेस होता है वो अंदर का सरफेस होता है वो सिल्वर होता है. द गैप बिटवीन द टू वॉल इनक्लोजेस वैक्यूम. तो इनके जो बीच, ये जो वॉल्स क्या करते हैं बेटा, इनके बीच में जो वैक्यूम है, अगर आप देख पा रहे हैं, देखो मैंने एरो करके लिख रखा है वैक्यूम, राइट? ये जो ये वाला स्पेस है, इसके बीच का स्पेस, ये दो वॉल्स क्या करते हैं, इस वैक्यूम को होल्ड करके रखते हैं टाइटली. ओके, इट इज कंप्लीटली सील्ड एट द टॉप. कंप्लीटली बेटा ऊपर से सील्ड होता है, कंप्लीटली पैक्ड होता है ये. The flask is placed on the support of a cork, cork in a metal case. Okay, जो flask होता है बेटा उसको हमें cork से ऊपर metal flask से हम इसको stop कर देते हैं. And it end is provided with a plastic cork with a ring of rubber or pad. Okay, और इसके ऊपर बेटा हम plastic cork दे देते हैं, जो बेटा एक ring, जो कि एक rubber या एक pad की form में होता है. The vacuum that lies between the wall prevents loss of heat by convection. ये जो vacuum present होता है बेटा इसके बीच में, ये हीट को कहीं जाने नहीं देता. इसी वजह से जो भी हम इसमें चाहे ठंडा पानी डालें, चाहे गर्म पानी डालें, चाहे हम अपनी कॉफी डालें, चाय डालें, वो गर्म की गर्म ही रहेगी. और या फिर अगर हम ठंडा पानी डालें तो ठंडा ही रहता है. आगे बढ़ते हैं. द वैक्यूम दैट लाइज बिटवीन द वॉल्स प्रिवेंट द लॉस बाय कन्वेक्शन. कि जो वैक्यूम है बेटा ये हीट लॉस नहीं होता, नहीं होने देता, जो कन्वेक्शन वजह से जनरली होता है, बाकी सब में इसमें नहीं हो पाता. Its outer shiny surface is a poor radiator of heat. इसका जो बाहर का जो surface है, shiny surface होता है, वो heat का poor conductor होता है, मतलब heat इसके अंदर enter नहीं कर पाती. Hence it prevents the loss of heat by radiation. और इसी वजह से loss of heat होता है radiation के process से भी. आगे बढ़ते हैं. The glass itself is a bad conductor of heat. इस line को underline कर लीजिए कि जो glass है, वो खुद भी एक bad conductor होता है heat का. The air, cork and the rubber between the flask and the metal case all being bad conductors of heat do not allow loss of heat by convection or convection. और क्योंकि बेटा हम जानते हैं जो कॉर्क है, रबर है फ्लास्क में, और जो मेटल केस है, वो तीनों ही बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं. इसी वजह से क्या होता है, ये जो लॉस ऑफ हीट है वो कन्वेक्शन है, कंडक्शन के प्रोसेस की वजह से बाहर नहीं जा सकती या अंदर नहीं एंटर कर सकती. The cork in the neck and the cap covering it also check the loss of heat by convection. और जो cork होता है और जो neck होती है इसकी, वो भी बेटा हीट को अंदर एंटर नहीं करने देते. आगे बढ़ते हैं. इन द सेम वे द वैक्यूम बिटवीन द ग्लास वॉल्स. अब हम इस वैक्यूम में हमने जाने वाले हैं ये क्या करता है. द वैक्यूम बिटवीन द ग्लास वॉल्स एंड द रबर कॉर्क ऑन द फ्लास्क डज नॉट लेट द हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंटर द फ्लास्क. और जो बेटा वैक्यूम होता है अंदर, ये बाहर की गर्मी को इस फ्लास्क के अंदर एंटर नहीं करने देता. ओके, आगे बढ़ते हैं. एंड द रबर कॉर्क ऑन द फ्लास्क. और जो हमारी रबर कॉर्क है दैट इज दिस वन, ये भी बाहर के जो एटमॉस्फेरिक हीट होती है वो इस फ्लास्क में एंटर नहीं कर सकती. आगे बढ़ते हैं. बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन हो गया ना, कंडक्शन रेडिएशन. ओके, बाहर की जो बेटा एटमॉस्फेरिक हीट होती है, चाहे वो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, किसी प्रोसेस से वो इसमें एंटर नहीं कर सकती. दस
the flask can keep a hot liquid hot and a cold liquid cold for a long time. और इसी वजह से ये जो flask है बेटा वो ठंडे पानी को बहुत लंबे समय तक ठंडा रख सकता है और जो गर्म चीज होती है उसको बहुत लंबे समय तक गर्म रख सकता है. A typical domestic thermo flask will keep a liquid cool up to 8 hours. और जो हम normally अपने घर में देखते हैं thermo flask, आपके father, आपकी mother या हमारे parents जो use करते हैं वो नॉर्मली किसी पानी को, चाय को, कॉफी को या कोई भी लिक्विड हो उसको नॉर्मली 8 घंटे तक गर्म या ठंडा रख पाता है. अब आइए बेटा इसके जो नीचे पेटेंट 47 में जो एक नई कैलकुलेशन दे रखी है एक्सरसाइज इसको समझ लेते हैं इसमें क्या करना है. जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके स्टूडेंट जैसा हम देख पा रहे हैं बेटा मैंने कुछ लाइंस लिखी है जो हमारी एक्सरसाइज में दे रखी है. अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें इसमें ये करना है कि अगर आप देख पा रहे हैं मैंने सारा जो लाइन्स है ऑलमोस्ट 1 to 5 लाइन्स हमारे पास 5 में मैंने सभी येलो से लिखा है बट कुछ टर्म्स मैंने अंडरलाइन कर दिए देख पा रहे हैं आप राइट. अब जरा देखते हैं इसमें करना क्या है. इस एक्सरसाइज में हमें करना ये है कि जो भी सेंटेंसेस सॉरी जो भी वर्ड्स ब्राउन चौक से अंडरलाइन है उसकी जगह कुछ अलग आएगा. कहीं ना कहीं मतलब सेंटेंस में मिस्टेक है वो मैं मिस्टेक निकालने क्या है. ओके फॉर कंडक्शन टेम्परेचर शुड बी सिमिलर. क्या कंडक्शन प्रोसेस के टेम्परेचर सिमिलर होना चाहिए? जी नहीं. कंडक्शन प्रोसेस के लिए बेटा हम जानते हैं कि जब भी हम कंडक्शन प्रोसेस करते हैं उसमें हमारे टेम्परेचर्स डिफरेंट होना चाहिए. सिमिलर हम अंडरलाइन करके ब्रैकेट में लिख देंगे डिफरेंट क्योंकि सही सेंटेंस अब ये बनेगा फॉर कंडक्शन टेम्परेचर्स शुड बी डिफरेंट. सिमिलर टेम्परेचर्स नहीं होना चाहिए. पॉइंट नंबर 2 हीट इज जनरली कंडक्टेड फ्रॉम द कोल्ड एंड टू द हॉट एंड. क्या हीट कोल्ड एंड से मतलब जो एरिया ठंडा होता है वहां से गर्म एरिया की तरफ मूव करती है? जी नहीं. हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि हीट इज जनरली कंडक्टेड फ्रॉम द कोल्ड नहीं हॉट एंड टू द कोल्ड एंड. कि जो हीट है बेटा वो गर्म पोर्शन से ठंडे पोर्शन में जाती है ठंडे से गर्म की तरफ नहीं जाती. सो काइंडली टेक केयर ऑफ दिस. ओके पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं. लैंड ब्रीज ब्लोस फ्रॉम सी टू लैंड. क्या लैंड ब्रीज सी से लैंड की तरफ चलती है? जी नहीं. लैंड ब्रीज तो बेटा लैंड से सी की तरफ चलती है तो आंसर सही हो जाएगा बेटा. लैंड ब्रीज नहीं सेटल कर लीजिए. सी ब्रीज ब्लोस फ्रॉम लैंड टू लैंड सी टू लैंड. जब सी ब्रीज होती है जो बेटा सी मतलब समुद्र से लैंड तक जमीन की तरफ चलती है. फोर्थ पॉइंट एयर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. जी नहीं बॉस एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. गुड को सेटल कर लेंगे यहां पे लिख देंगे. Air is a bad conductor of heat. Last point करते हैं. Thermos flask is a single wall. अभी हमने discuss करा बेटा thermos flask double wall होता है. Single wall का नहीं. Single wall होता है. Single दीवार का या single wall का. ये वो double wall होता है. Single को हम circle कर लेंगे. यहाँ पर हम लिखेंगे. It is a double wall vessel. ये हमारी होगी back exercises. Next video बेटा जो इस chapter की और back exercises हैं और जो कुछ question answers रह गए हैं उसको हम discuss करते हैं. एंड आई होप आपको आज इस वीडियो में मजा आया होगा. बहुत कुछ सीखने को मिला होगा थर्मल फ्लास्क के बारे में. बैक एक्सरसाइज आपने फिनिश कर दी. नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली हम अपनी आगे की बैक एक्सरसाइज फिनिश करते हैं और जल्दी से चैप्टर फिनिश करके हम नेक्स्ट चैप्टर पकड़ते हैं सो दैट वी कैन लर्न मोर अबाउट दीज थिंग्स. थैंक यू सो मच. डू लाइक द वीडियो एंड इन केस बेटा आपको कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होता है डेफिनेटली मेरी वीडियो में आप देख पाएंगे कमेंट सेक्शन है उसमें आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं सो दैट आई कैन हेल्प यू. थैंक यू सो मच. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू.